guys, welcome to our channel Earning with Intelligence. So guys, in this video I'm gonna show you that how you can delete any user profile from your laptop in Windows 10. Okay, so guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक जैसे आपके Windows 10 में आपके लैपटॉप में ऑप्शन होता है या पीसी में आपको एक सहूलत होती है जिससे आप अपने लैपटॉप में यूजर क्रिएट कर सकते हैं. जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक यूजर होता है, स्टैंडर्ड यूजर. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक स्टैंडर्ड यूजर को डिलीट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से. ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ जाइए और यहाँ टाइप करें कंट्रोल पैनल. तो ये आपको ये शो हो जाएगा कंट्रोल पैनल, इसको क्लिक करें. ठीक है, ये ओपन हो रहा है. उसके बाद आपने जाना है यूजर अकाउंट्स. ओके, सो आप इस पे चल जाएंगे. फिर आपने ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यूजर अकाउंट्स, रिमूव यूजर अकाउंट्स. ठीक है, आप इस पे क्लिक करें. उसके बाद ये आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगेगा. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर का. ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट से करेंगे तो आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो उसके बाद ये रॉन्ग लिख लिया, सॉरी, ये हो गया. ठीक है, अब आप देखें इसको, ये एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं. आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आपने क्लिक किया. ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिलीट अकाउंट. तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा और आपका यूजर की प्रोफाइल सारी डिलीट हो जाएगी. ठीक है, सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो. अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस वीडियो पे एम करते हैं 10 लाइक्स का. सो टेक केयर एंड बाय बाय.